ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड एंजेली गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माता दुर्गा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए क्या एंजल मैसेज देने वाले हैं, इस आपके लिए क्या गाइडेंस एंजल की ओर से। सो चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोबारा आ रहे हैं तो आपके लाइक सब्सक्रिप्शन के लिए थैंक यू। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए। सो सिस्टरहुड ऑफ द रोज, नेक्स्ट मैसेज क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है। डिवाइन गाइडेंस क्या है। पिलर ऑफ द लाइट, एंजल प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए। अवेकनिंग, यहाँ पे कुछ लोगों की लगता है अवेकनिंग हुई है, उनकी वाइब्रेशन बहुत अप एंड डाउन हो रही है, राइज कर रही है। आप हाई प्रिस्टेस के, कुछ लोग हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर टीचर हो सकते हैं। कार्ड्स तो एक लाने थे लेकिन यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए, चलिए हम कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एंजल के मैसेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो मैसेज है उसे हम देखते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है, सिस्टरहुड ऑफ द रोजेस, किसी किसी के लिए यहाँ पर ये दे रहा है कि अपने ब्यूटी और डिवोशन पर ध्यान देना है। कुछ लोग जो हैं वहाँ पे अपने ब्यूटी पर ध्यान नहीं दे रहे, कुछ लोग यहाँ पर ब्यूटिशियन हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, प्रिस्टस की एनर्जी में है, पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ब्राह्मण हो सकते हैं जो अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। कुछ लोग यहाँ पे साइकिक हो सकते हैं, मिस्टिक हो सकते हैं, और कुछ यहाँ पर लोग जो देखने वाले वीडियो है वो टीचर भी हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाते हो या फिर किसी तरह का यूट्यूब पर लोगों को सजेस्ट करते हो, किसी तरह के जो है यहाँ पे टीचर हैं उनके लिए मैसेज है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, अपने कम्युनिटी से कनेक्ट करें, अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ फोकस बने और डिवोटी होकर के कोई काम करें। अगर आप ब्यूटी के फील्ड में हो या फिर अगर आप टीचिंग के फील्ड में हो या फिर आप किसी भी तरह का साइकिक पर्सन हो तो आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपने वर्क को ज़्यादा तरजीह दें, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। यहाँ पर ये लग रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिसीव हो सकती है, एनर्जी रिसीव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स है यहाँ पर एनर्जी रिसीव करते हुए नजर आ रही है ये लेडी। तो आपको एक बहुत बड़ा एक एंजल की ब्लेसिंग्स मिल सकती है, एक एनर्जी रिसीव हो सकती है, आपको नॉलेज बढ़ सकता है, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ सकता है, आपकी जो कुछ भी आपकी ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप हो सकते हैं इन दिनों में, काफ़ी ज़्यादा आपके ग्लो बढ़ सकता है आपके चेहरे का, ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। सेकेंड कार्ड है पिलर ऑफ द लाइट, यू आर द पिलर ऑफ द लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, आप अलाइंड होंगे, आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइंड होंगे, आप कनेक्ट होंगे, आपके सारे चक्रास ओपन हो सकते हैं और आप एक ओरेकल हो सकते हैं, आप कोई साइकिक पर्सन हो सकते हैं। तो आपको अपने साइकिक एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने अलाइनमेंट पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने अवेकनिंग पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। थर्ड कार्ड है अवेकनिंग, किसी किसी लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हुई है और ये आपको कहा जा रहा है एंजल की तरफ से, अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके एनर्जी को अपग्रेड करने के लिए आपकी अवेकनिंग की गई है, आपको एक न्यू लाइफ देने के लिए अवेकनिंग की गई है और नए तरीके से आपको जीने के लिए ये अवेकनिंग दी गई है। आप जो नेगेटिव वाइब्रेशन में अभी तक पड़े हुए थे आपके वाइब्रेशन को रेज करने के लिए अवेकनिंग दी गई है। आपको ये इमोशनली आपको ट्रॉमा इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट बन सके, लोगों के नज़र में अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दे सके। आपको ये चीज़ों के बारे में अब जानकारी देने के लिए ये सब किया गया है। आपको एंजल से, एनर्जी से और यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अवेकनिंग दिया गया है, इंटीग्रेट किया गया है आपको, ताकि आप जो है अपने वाइब्रेशन को रेज करके आप आगे बढ़े और अपने लिए कुछ हासिल करें और उस अपने लिए हासिल करने के बाद आप इस सोसाइटी के लिए कुछ करें,
इसलिए आपको अवेकनिंग दी गई है, एंजल के ये मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है डोंट डीम टू फिट इन, जबरदस्ती यहाँ पे हाउ यू डीमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन, जबरदस्ती आपकी निगेटिव एनर्जी और आप जबरदस्ती चाहते हो कि आप किसी भी चीज में अपने आप को फिट कर लो। यहाँ पे उन लोगों के लिए कार्ड है कि आप किसी वर्क के लिए सुटेबल नहीं हो और आप जबरदस्ती चाहते हो कि उस वर्क को आपको मिल जाए, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले आप उस लायक बनो, आपको उसके लायक मेहनत करनी होगी, आपको उसकी लायक अपनी एनर्जी को रेज करनी होगी, क्योंकि इसीलिए तो किया जा रहा है। यहाँ पे जो अवेकनिंग दिया गया उसके बाद तुरंत है कि अगर जिन लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है वो अलाइंड नहीं है, तो वो अपनी एनर्जी उनकी हाई नहीं है, सेल्फ फोकस नहीं है, तो इसकी वजह से जबरदस्ती अपने आप को किसी चीजों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या जरूरत है आपको किसी भी ऐसी एनर्जी में फिट करने की, या ऐसे कम्युनिटी के साथ रहने के लिए, या ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो आपको जबरदस्ती उन लोगों के बीच में अपने आपको फिट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी काम को आपको वैसे काम को लेने की आवश्यकता नहीं है जो आपके लिए सही नहीं है। ब्रेक द चैन, अपने यहाँ पे ब्रेक द चैन का मतलब कह रहा है जो सब कर रहे हैं देखा इसके आपको नहीं करनी है, सब तो एक रास्ते पे जा ही रहे, जरूरी थोड़ी है कि आप उसी रास्ते पे जाओ। देखिए यहाँ पे सारे लोग जो है ना इस ओर से निकल रहे हैं और ये जो है वो इस ओर जा रही है, जरूरी नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं तो देखा देखिए हम भी करें। कई लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके दोस्त कोई कह सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट चुन रहे हैं, तो देखा इसकी अपने दोस्त के साथ रहने के लिए, सब साथ पाने के लिए आप भी वही सब्जेक्ट चुने। नहीं, आपके पास चॉइसेस हैं, आप वो सब्जेक्ट चुने जिसमें आप महारत हासिल करके रखे हो। जरूरी नहीं कि आपका दोस्त जो काम कर रहा है वो आपके लिए काम बेहतर हो, आप वो काम करें जो आपको आता हो, जिसमें आपकी स्किल बहुत अच्छी हो। तो आपको ये चैन ब्रेक करना है। जरूरी नहीं कि आपके जो पेरेंट्स आपको बनाना चाहते हैं या आप वो करें जो आपका दिल कहता है। आप उस फील्ड में जाएं जो जिसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं, आप जो बनना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर जो आप बनना चाहते हैं ना वहां पे आप मेहनत बहुत करेंगे, क्योंकि वो आपका पैशन होगा, वो आपकी डिज़ायर होगी, वो आप चाहेंगे कि वो पूरा हो जाए। तो उन काम को करिए, बजाय उन कामों को करने के लिए यहाँ पे प्लैनेट भी बहुत सारे बने हुए हैं। प्लैनेट आपको कुछ कह रहा है चेक करने के लिए और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिनाई। यस, ये कार्ड्स ना मुझे बहुत कुछ बता रहा है, ये कार्ड्स उस काम में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ना जो काम आपके लिए बना ही नहीं है। प्लैनेट आपको किसी और काम की ओर ले जा रहा है और आप जो है जबरदस्ती किसी और काम में फिट कर रहे हैं अपने आप को, किसी और रिश्ते में भी, ये रिश्ते में भी हो सकता है। आप उस इंसान को चूज कर रहे हो जो इंसान आपके लिए बना ही नहीं है और जो आपका सच्चा प्यार आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्लैनेट क्या है, आपको उसी ओर ले जा रहा है। यहाँ पे जुपिटर है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, और जुपिटर्स के मून्स भी हैं, तो यहाँ पे मुझे जुपिटर दिख रहा है जो कि आपका करियर से रिलेटेड है। ये प्लैनेट करियर से ये रिलेटेड प्लैनेट है। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। तो ये करियर में आपको ही बोला जा रहा है कि ऐसे करियर को चुनिए जो सब ना कर रहे हो, आप कुछ अपना कीजिए, एंसेस्टर पैटर्न्स को तोड़ दीजिए। जो आपके ऐसे बहुत ज्यादा होता है ना घर में कि कोई किसी घर में डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर, सब लोग चाहेंगे कि मेडिकल फील्ड में जाए। कोई इंजीनियर है तो सब लोग चाहेंगे इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाए। कोई टीवी से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो सब चाहेंगे कि उसी मीडिया में जाए। कोई अलग या कोई अपना घर का बिजनेस है तो चाहेंगे कि अपने घर का बिजनेस ही संभाले। तो आपको जरूरी नहीं है वह सब करना, आप जिसमें महारत हासिल कर रहे हो वो करें। हीलिंग आ सकती है यहाँ पे, रिराइटिंग द फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट कर सकते हो, आप में पावर है। सो यू आर एबल टू क्रिएट योर फ्यूचर, फ्यूचर आप अपना क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे ये नजर आ रही है, आप प्लीज वो करें जो आपका दिल कहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।